हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू एनएम माइंड्स एरेना। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर मोशन इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। दिस इज चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर जैसे MCQs और ट्रू फॉल्स, गैप फिलिंग, ये सब भी डिस्कस किए हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के बारे में बन सके। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द इन्वेंशन विच मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसी एक इन्वेंशन का नाम बताइए जिससे कि ट्रांसपोर्ट के जो तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। वो था इन्वेंशन ऑफ व्हील। विच पावर वॉज यूज टू पुल व्हीकल्स इन एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स में, एंशियंट का मतलब प्राचीन, एंशियंट टाइम्स में कौन सी पावर व्हीकल्स को पुल करने के लिए, खींचने के लिए यूज़ की जाती थी। एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स इन एंशियंट टाइम, एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, इसके डेफिनेशन बताइए। एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम, जो समय के साथ अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता, ऐसी चीज़ को कहते हैं कि वो रेस्ट में है। और एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेज इट्स पोजिशन, बहुत ज़्यादा सा फ़र्क है। वो ऑब्जेक्ट जो चेंज करता है अपनी पोजिशन टाइम के साथ उसे कहते हैं इन मोशन, कि वो मोशन में है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज, कोई जगह कितनी दूर है, हाउ फार कितनी दूर, ये जानना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, इस ताकि हम ये आइडिया ले सकें कि उस जगह पर हम कैसे पहुँचेंगे, वॉक करके, टेक ए बस और ट्रेन, बस या ट्रेन से, शिप से, एरोप्लेन से, और या फिर स्पेस क्राफ्ट से। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वॉट डज योर PT टीचर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की लेंथ को नापने के लिए जो आपके फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हैं वो क्या यूज़ करते हैं। माई PT टीचर हैज़ प्लास्टिक मेड टेप स्केल, प्लास्टिक का बना हुआ टेप का स्केल है टू मेजर द लेंथ, उसे यूज़ करते हैं नापने के लिए लंबाई को। इट टोटल लेंथ इज 100 मीटर, और उसकी टोटल लेंथ 100 मीटर होती है। इट कैन बी राउंडेड अप इन ए राउंड बॉक्स, और उसे गोल बॉक्स में राउंड अप किया जा सकता है। बॉक्स राउंड भी हो सकता है और कोई जरूर नहीं कि राउंड ही हो, और किसी शेप में भी हो सकता है। वॉट इज एस्टिमेशन, हिंदी में बताऊँ तो एस्टिमेशन कहते हैं अनुमान, अंदाजा। टू गेस द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का के डायमेंशन का अंदाज़ा लगाने के लिए विदाउट एक्चुअल मेजरिंग, बिना मेजर किए, इज नोन एज एस्टिमेशन, एस्टिमेशन कहलाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक नियर अबाउट करेक्ट एस्टिमेट, बहुत ही नज़दीक का बिल्कुल ही सही सही बैठे तो ऐसे अंदाजे लगाना मुश्किल होता है। इट नीड्स ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। वॉट काइंड ऑफ स्केल इज़ यूज बाई क्लोथ मर्चेंट, टेलर्स, कारपेंटर्स, मकैनिक्स टू मेजर लेंथ, लेंथ को नापने के लिए मर्चेंट, टेलर, कारपेंटर, मकैनिक कौन सा स्केल यूज़ करते हैं। क्लोथ मर्चेंट्स यूज़ आयरन और स्टील मीटर स्केल, जो क्लोथ मर्चेंट हैं वो लोहे का या स्टील का मीटर स्केल यूज़ करते हैं। जो टेलर्स होते हैं वह प्लास्टिक मीटर यूज़ करते हैं, प्लास्टिक मीटर स्केल टेप होती है उसे यूज़ करते हैं। जो कारपेंटर्स होते हैं वो प्लास्टिक मीटर टेप यूज़ करते हैं या आयरन मीटर स्केल भी यूज़ करते हैं, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अंतर बताना,
बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस क्या होती है? द टोटल लेंथ ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूरी लेंथ लंबाई कवर करी है वो कहलाती है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो सबसे छोटी दूरी कहलाती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट यानी कि नाप क्या होती है? मेजरमेंट इज़ अ टेक्निक, टेक्निक होती है ये डेवलप्ड फॉर करेक्ट जजमेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके डायमेंशन का करेक्ट जजमेंट कर सके, भाई ये कितना बड़ा है, उसके लिए मेजरमेंट के लिए एक टेक्निक निकाली गई है, बस वही मेजरमेंट कहलाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट? यूनिट से क्या मतलब होता है? अ क्वांटिटी अडॉप्टेड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के नापने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट प्रयोग की जाती है उसे ही यूनिट कहते हैं, जो क्वांटिटी यूज की जाती है उसे ही यूनिट कहते हैं। नेम द टू पार्ट्स विच मस्ट बी मैंशन टू स्टेट द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट, मेजरमेंट का रिजल्ट बताने के लिए जो दो पार्ट होते हैं उनके नाम बताइए। मैग्नीट्यूड और यूनिट आर द टू पार्ट्स विच मस्ट बी मैंशन टू स्टेट द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट, मतलब कौन सी यूनिट हुई है, मतलब आपको कहना है ये 10 सेंटीमीटर की है ये चीज़, 10 सेंटीमीटर की है, तो मीटर तो आपने यूनिट यूज़ करी है और मैग्नीट्यूड उसका है 10। व्हाट टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस वुड यू यूज टू मेजर द गर्थ ऑफ ए ट्री, एक ट्री की गर्थ को मेजर करने के लिए आप कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? मेजरिंग टेप, नापने वाली जो टेप होती है वो ट्री के गर्थ को नापने के लिए सूटेबल रहती है। व्हाट इज द सिस्टम यूज फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट्स नाउ इट इज, आजकल मेजरमेंट का कौन सा सिस्टम यूज़ होता है? वो होता है SI सिस्टम, स्टैंडर्ड, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, जिसे SI सिस्टम कहते हैं वो यूज़ किया जाता है। नेम द यूनिट ऑफ लेंथ विच शुड बी यूज टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ ए कॉइन, कोई सिक्का है उसकी मोटाई को बताने के लिए आप लेंथ की कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? वो यूज़ करेंगे मिलीमीटर, क्योंकि बहुत ही पतला होता है और मिलीमीटर सबसे छोटी वो होती है यूनिट मेजरमेंट की। नेम द यूनिट ऑफ लेंथ, उस लेंथ की यूनिट बताइए विच यू वुड लाइक टू यूज़ व्हाइल एक्सप्रेसिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ की दूरी आपको बतानी है तो नापने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? वो होगी किलोमीटर, क्योंकि बहुत दूर होता है, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए किलोमीटर यूज़ होता है। नेम द SI यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की SI यूनिट बताइए, वो मीटर होती है और M उसका सिंबल होता है। व्हाट इज़ द कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ और विलेजेस, हमें दो गांव नापने हैं या दो शहर नापने हैं तो हम डिस्टेंस की कौन सी यूनिट को यूज़ करेंगे? वो होगी किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, ये आपको पता ही होगा। विच यूनिट शुड बी यूज टू एक्सप्रेस थिकनेस ऑफ कॉइन और वायर, वायर या कॉइन की थिकनेस को अगर आपको बताना है कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे? वेरी स्मॉल लेंथ लाइक थिकनेस ऑफ कॉइन और वायर इज एक्सप्रेस इन मिलीमीटर्स, वो मिलीमीटर्स में एक्सप्रेस की जाएगी। वाई ए क्यूबिट कैन नॉट बी यूज टू एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, क्यूबिट को लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में क्यों नहीं यूज़ कर सकते? लेंथ ऑफ हैंड, हाथ की लंबाई, क्यूबिट या क्यूबिट आर नॉट सेम फॉर ऑल पीपल, सब लोगों के लिए सेम नहीं होते, सो दीज कैन नॉट बी यूज एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। डिफाइन क्यूबिट और फुट, फुट और क्यूबिट को बताइए। क्यूबिट इज द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द एल्बो एंड द मिडिल फिंगर, जो आपकी कोहनी से लेकर मिडिल फिंगर तक की लंबाई होती है वो होती है क्यूबिट, और लेंथ ऑफ द फुट ऑफ ए पर्सन, और जो किसी व्यक्ति के पैर की लंबाई होती है वो कहलाती है फुट। अब ये फ्रिंदा ब्रांच करने हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 1/10 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, 1 डेकामीटर या 1 डेसीमीटर। 1 डेकामीटर ग्रेटर होता है, 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज़ बिगर,
इसीलिए ये साइन लगा है। वन हेक्टोमीटर वन किलोमीटर, तो किलोमीटर इज ग्रेटर, इसलिए ये साइन लगा है। वन डेसीमीटर और वन सेंटीमीटर, डेसीमीटर बिगर होता है तो इसलिए ये साइन लगा है। लिस्ट थ्री यूजेज ऑफ मीटर, मीटर के तीन यूजेज बताइए। मीटर कैन बी यूज एज ए यूनिट टू मेजर, जब आपको कमरे की लंबाई नापनी हो, हाइट ऑफ ए ट्री और बिल्डिंग, बिल्डिंग की या ट्री की हाइट नापनी हो, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्ले ग्राउंड या किसी प्ले ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई नापनी हो तो मीटर यूज करते हैं। कैन यू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल विद मीटर स्केल, क्या मीटर स्केल से पेंसिल की लंबाई नाप सकते हैं? नो, नहीं। लेंथ ऑफ पेंसिल कैन नॉट बी मेजर्ड विद मीटर स्केल, टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, अगर हमें पेंसिल की लंबाई नापनी है, ए स्मॉल स्केल लाइक 6 इंचेस प्लास्टिक स्केल, जो 6 इंचेस वाले आते हैं जिन्हें आप अपनी पेंसिल किट में रखते हैं, उसे यूज किया जाना चाहिए। दिस लेंथ शुड बी एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, और ये लेंथ सेंटीमीटर में बताई जानी चाहिए। ए 30 सेंटीमीटर स्केल हैज़ वन एंड ब्रोकन, आपके पास मान लीजिए 30 सेंटीमीटर का एक स्केल है जिसका एक सिरा टूटा हुआ है। द मार्क एट द ब्रोकन एंड इज 2.6 सेंटीमीटर, जो टूटा हुआ हिस्सा है वहाँ पर 2.6 का पॉइंट नंबर ये मार्क लिखा हुआ है। हाउ वुड यू यूज इट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अब पेंसिल की लंबाई नापनी है, इसे कैसे यूज करोगे? पुट वन एंड ऑफ द पेंसिल एट नियरेस्ट फुल मार्क से 3.0 सेंटीमीटर इन दिस केस, जैसे 2.6 तक टूटा हुआ था तो उसके बाद अब 3 आएगा, 2.6 के बाद तो 3 वाले मार्क पे पेंसिल को रखिए अपनी। टेक द रीडिंग ऑफ द अदर एंड, दूसरे सिरे तक पेंसिल जहाँ तक की आपकी जा रही है उस सिरे तक की मेजरमेंट नापिए कितना आया। नाउ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग, मान लो वहाँ तक आपका 10 आया तो 10 में से 3 माइनस कर दीजिए तो 7 बच जाएगा, तो इसीलिए 3 सब्ट्रैक्ट करना है जितने भी मेजरमेंट आए। दिस विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पेंसिल। स्टेट टू प्रिकॉशन, दो सावधानियाँ बताइए। वी शुड बी टेकन वाइल यूजिंग ए मीटर स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई को नापते हैं तो मीटर स्केल यूज करते समय दो सावधानियाँ कौन सी रखनी चाहिए? टू प्रिकॉशंस आर, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ, जिस चीज़ की भी लंबाई नापनी है उसके बिल्कुल कॉन्टैक्ट में उस स्केल को रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई शुड बी करेक्टली पोजिशन अबाउ द पॉइंट टू बी मेजर्ड, जो पॉइंट आपको नापना है आँखें बिल्कुल उसके सीधे ऊपर होनी चाहिए टू मेक ए करेक्ट मेजरमेंट, अगर आप टेढ़ी रखेंगे तो आपको वो एक्यूरेट नहीं आएगा। डिस्क्राइब द मेथड यू वुड यूज टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर ऑफ योर साइंस बुक, आपको अपनी साइंस बुक के पेपर की जो शीट पेपर जो यूज हुआ है उसकी थिकनेस नापनी है तो क्या मेथड अपनाएंगे आप? इट इज़ नॉट ईजी टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए सिंगल शीट ऑफ पेपर बाई यूजिंग मीटर स्केल, मीटर स्केल यूज़ करके एक पेपर की शीट की मोटाई नापना बहुत मुश्किल है। द मैथड यूज टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए सिंगल शीट इज फॉलो एज फॉलोज, क्या करेंगे, क्या मैथड लेंगे? आपको 100 शीट लेनी है पेपर की एक साथ, फाइंड देयर कम्बाइंड थिकनेस बाई यूजिंग ए सेंटीमीटर स्केल, और जब 100 पेपर्स होंगे तो उनकी थिकनेस नापिए आप अपने जो भी आपके पास सेंटीमीटर स्केल है। डिवाइड द टोटल थिकनेस बाय द नंबर ऑफ शीट्स, और जितनी टोटल थिकनेस आई है उसे शीट्स के नंबर से, चूँकि 100 शीट ली थी तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। इट द थिकनेस ऑफ ए सिंगल शीट, वो सिंगल शीट की थिकनेस निकल कर आएगी। इफ द थिकनेस ऑफ 100 शीट्स इज 1.5 सेंटीमीटर, तो जो सिंगल शीट होगी उसकी थिकनेस होगी 0.015 सेंटीमीटर। वॉट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल बाइंग समथिंग, कुछ खरीदते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वाइल बाइंग क्लोथ्स, जब कपड़े खरीदते हैं, पाइप खरीदते हैं, लेसेस खरीदते हैं, इट शुड बी चेक्ड, ये तो चेक करना चाहिए ये वेदर द स्केल इज करेक्ट और नॉट, कि जिससे वो नाप रहा है वो स्केल सही है या नहीं है। ए करेक्ट मीटर है साइंस, ये साइन बना होता है जो करेक्ट मीटर होता है, ऑन बोथ द एंड्स इन एडिशन टू द स्टैम्प ऑफ द वेट, वेट की स्टैम्प होती है उस पर, एंड मेजर डिपार्टमेंट, और जन नापने वाला डिपार्टमेंट है एक, उसकी मोहर लगी होती है। द मीटर स्केल में हैव बीन कट ऑफ, हो सकता है मीटर स्केल को काट दिया हो, छोटा कर दिया हो, इन सच ए केस शॉर्ट मेजरमेंट इज रिजल्टेड, अगर वो स्केल कटा हुआ होगा तो नेचुरली आपको जो चीज़ मिलेगी वो कम मिलेगी। कैन यू मेजर द डायमीटर ऑफ ए बॉल विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, क्या मीटर स्केल की हेल्प से बॉल के डायमीटर को नाप सकते हैं? यस, द
द डायमीटर ऑफ ए बॉल कैन बी मेजर्ड करेक्टली विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, मीटर स्केल से नाप सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वेज इन विच डायमीटर्स ऑफ स्फेरिकल सर्फेस कैन बी मेजर्ड ईजली। ये एक तरीका यहाँ पर बता रहे हैं जिससे आप किसी भी गोल चीज़ का डायमीटर निकाल सकते हैं। इन दिस मैथड द टू वुडन ब्लॉक्स ए एंड बी मस्ट बी एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर। आप दो वुडन बॉल्स लीजिए, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, और इसके बीच में आप उस गोल चीज़ को रखिए और इसको नाप लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं आप इसमें यहाँ पर बता देती हूँ आपको करके। मान लीजिए ये दो हमने ए और बी रखे हैं, ये ए है और ये बी है, और जो हमारा वुडन चीज़ है वो बिल्कुल इसे टच करती भी होना चाहिए। ये इतना होना चाहिए। मैं इसको दोबारा बनाती हूँ यहाँ से। पहले हम सर्कल बना लेते हैं। एक्चुअली ये हमने बनाया और फिर जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पर होना चाहिए, इसके बिल्कुल टच के। अब आप इसे इस बॉल को यहाँ से हटा लीजिए। आप इसे हटाएंगे तो इन दोनों की दूरी जो है ये यहाँ से यहाँ तक के नाप लीजिए, तो आपको डायमीटर पता चल जाएगा। हाउ विल यू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए थिन वायर। थिन वायर की थिकनेस कैसे पता करेंगे? टेक ए राउंड पेंसिल, एक गोल पेंसिल लो। रैप द गिवन वायर राउंड द पेंसिल मेकिंग 25 टर्न्स फॉर्मिंग ए कॉयल। अब उसके ऊपर तार को लपेटिए और 25 बार आपको लपेटना है, 25 घेरे होने चाहिए। कॉयल का मतलब घेरे। मेजर द लेंथ ऑफ द सो फॉर्म्ड कॉयल, और फिर जो आपने उसकी जितना लंबा तार था वो 25 कॉयल में जितना लगा उसे नाप लीजिए। डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ द कॉयल बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। अब जो लेंथ आई है उसको डिवाइड कर दीजिए, कितने हमने टर्न किए थे, 25 किए थे, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। दिस इज द थिकनेस ऑफ द वायर, वही वायर की थिकनेस होती है। मतलब आपको कैसे करना है, नीचे 25 थे ना उसमें हमने टर्न किए थे 25, और जितनी भी इसमें से आई है, मान लीजिए 10 mm आई है ये, तो 25 से आप इसको जब आप इसको काटेंगे इसमें से 5 5 = 25 और 5 2 = 10, तो ये 2.5 होगा। और 2.5 को हमें 5 को इसको डेसीमीटर में लाने के लिए हमें 2 से इसे आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना होगा, तो तब यहाँ पर ये 2 2 = 4 और 5 2 = 10 आएगा, तो तब ये मेजरमेंट कहलाएगी 0.4। ये आंसर बनेगा। हाउ वुड यू मेजर द थिकनेस ऑफ ए कॉइन। आपके सिक्के की थिकनेस को कैसे मेजर करेंगे? टेक 10 coin, 10 सिक्के लो। पुट देम वन ओवर अनदर, एक के ऊपर रख लो सारे सिक्के। फाइंड द टोटल थिकनेस ऑफ 10 coins विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब एक स्केल से उन्हें नाप लो कितने बड़े हुए हैं। डिवाइड द टोटल थिकनेस बाय द नंबर ऑफ कॉइन्स। अब जो कॉइन्स की संख्या थी वो तो आपको नीचे रखनी है, यहाँ पर कॉइन्स की संख्या रखनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स, और फिर जो टोटल थिकनेस आई है टोटल थिकनेस उसे ऊपर रखिए और काट दीजिए उसे। विच डिवाइस वी कैन यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन की लंबाई को नापने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? धागा यूज कर सकते हैं, थ्रेड। यूजिंग ए थ्रेड हाउ विल यू फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए 1 rupee coin। 1 rupee के सिक्के का सरकमफ्रेंस कैसे पता करोगे? सरकमफ्रेंस पता है ना, कोई भी मान लीजिए सर्किल आपने बनाया, ये डायमीटर होता है, और अगर आपको रेडियस पता करना है तो ये बीच में ये रेडियस होता है इस पॉइंट से। अब आपको सरकमफ्रेंस पता करना है तो सरकमफ्रेंस कैसे पता चलेगा? सरकमफ्रेंस पता करने के लिए मैं आपको बताती हूँ दूसरे कलर, जो बाहरी, ये बाहरी मेजरमेंट है ना, बाहर की जो ये है ये सरकमफ्रेंस है। तो आप कोई भी धागे को लेके ऐसे नापेंगे, एक पॉइंट से शुरू करिए, मतलब यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से नापते नापते जितना धागा यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा बस वो इसका सरकमफ्रेंस हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। प्ले यहाँ से पढ़ देते हैं। फिक्स वन एंड ऑफ द थ्रेड, प्लेस द कॉइन एडजेसेंट टू दैट पॉइंट। कि जो थ्रेड का एक सिरा है उसे कॉइन के बिल्कुल पास रखिए एक पॉइंट पर ले जाकर। रोल द थ्रेड एग्जैक्टली वंस अराउंड द कॉइन, और एक बार बस केवल आप उसके सिक्के के चारों तरफ लपेट दीजिए धागे को। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्रेड बाय यूजिंग ए स्केल, फिर स्केल पर उसे नाप लीजिए कि कितना लगा है वो।
विच इज़ द रिक्वायर्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉइन, बस वही जितनी नाप आई है। मान लीजिए सिक्के के अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही सरकमफ्रेंस है। इज़ द आवर हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक एट रेस्ट और इन मोशन, जो दीवार घड़ी की सुई होती है आवर वाली, वो रेस्ट में होती है मोशन में होती है। द आर हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक इज इन मोशन, मोशन में होती है, तभी चलेगी, तभी तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 बताएगी। बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन, क्योंकि वो अपनी पोजिशन बदलती रहती है। इज योर क्लासरूम एट रेस्ट और इन मोशन, आपकी क्लासरूम रेस्ट में या मोशन में है? रेस्ट में है, नहीं तो मोशन में होगी तो एक जगह से दूसरी जगह पता नहीं कहाँ पहुँच जाती। अवर क्लासरूम इज सेट टू बी एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वो अपनी जगह नहीं चेंज कर रही है। इफ़ यू आर सिटिंग इन ए मूविंग बस, अगर आप चलती हुई बस में बैठे हैं, आर यू एट रेस्ट और इन मोशन, आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? इफ़ यू आर सिटिंग इन ए मूविंग बस, वी आर नॉट चेंजिंग अवर पोजिशन, बैठे हैं हम अगर बस में और अपनी पोजिशन नहीं चेंज कर रहे हैं। इन कंपेरिजन टू थिंग्स इन साइड द बस, जो और चीज़ें बस में है, जैसे बस में ग्लास भी लगा है, सीट है, ड्राइवर की चेयर है, तो उन चीज़ों की तुलना में हम अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोशन, मोशन के डेफिनेशन अनुसार, वी आर नॉट मूविंग, हम चल नहीं रहे हैं। द बस इज मूविंग, बस चल रही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम कह सकते हैं वी आर इन मोशन इन कंपेरिजन टू आउटसाइड ट्रीज, कि जो बाहर के पेड़ तो चलते हुए दिख रहे हैं, तो उनसे कंपेयर करेंगे तो हम चल रहे हैं, और जो बिल्डिंग्स हैं स्टेशनरी इन कंपेरिजन टू थिंग इनसाइड द बस। लेकिन अगर हम बाहर की चीज़ों से तुलना ना करके जो अंदर की चीज़ें हैं उनसे तुलना करते हैं, तो हम चल नहीं रहे हैं, वी आर एट रेस्ट। ग्रुप द फॉलोइंग इन टू मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सी चीज़ें मूविंग है, चल रही हैं, और कौन सी स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब पता होगा, बिल्कुल स्थिर, जो चल नहीं रही होती हैं। चलिए आंसर देखते हैं। अब इसमें से मूविंग कौन सी है, मूविंग है मिनट हैंड, सुई वाली, जो मिनट बताने वाली सुई होती है घड़ी में, ऑफ द क्लॉक, फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टेशनरी जो स्थिर हैं, हाउस टॉप, हमारे घर का टॉप, क्लॉक, घड़ी जहाँ रखी है वहीं तो टंगी हुई है ना, उसकी सुइयों की बात नहीं हो रही है, घड़ी की बात हो रही है, जहाँ आपने टांगी वहीं टंगी हुई है। बर्ड सिटिंग ऑन द रूफ, छत पे बैठी हुई चिड़िया, जब बैठी है, उड़ रही तब नहीं, जब बैठी है, तो स्टेशनरी है। टेबल जो हमारे कमरे में रखी है, जो एक ही जगह रखी है, वो स्टेशनरी है। वॉट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, जो गोल गोल मोमेंट हो रहा है, ये यहाँ से गोल गोल जा रहा है, ये गोल गोल जा रहा है, जितना भी हम कैसे भी बना ले, जब गोलाई में घूम रहा है, तो ये कहलाता है सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी ऑलवेज चेंजेज इन सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन होता है तो जो चल रही है चीज़ उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जो चंद्रमा का धरती के चारों तरफ चलना है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ का सन के चारों तरफ चलना है। बुल इज मूविंग अराउंड ए सेंट्रल पोल, कोई पोल है उसके चारों तरफ बुल घूम रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मूविंग है, मोशन में है, यानी कि सर्कुलर मोशन में है। डिफाइन रोटेटरी मोशन विद ए सुटेबल एग्जाम्पल, रोटेटरी मोशन बताइए। द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी चल रही होती है, लेकिन एक एक्सिस है, यानी कि ये एक्सिस है, इसके बिल्कुल चारों तरफ, जैसे कि पहिया घूमता है, वो नहीं होता कि ऐसे घूम गया या कैसे घूम गया, एक एक्सिस है, उसके चारों तरफ घूम रही है, तो तब वो कहलाता है रोटेटरी मोशन। भाई यही दोनों में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल पोटर्स व्हील, पोटर का व्हील, वो ऐसा नहीं है कि उसका सर्किल ऐसा नहीं बनेगा, वो बिल्कुल गोल घूम रहा है, स्पिनिंग टॉप, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे अपनी जगह पर, एक ही जगह पर घूमेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं घूमेगा, तो उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। डिफाइन द पीरियडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो मोशन जो समय समय पर, बिल्कुल रेगुलर, निश्चित समय पर अपने आप को रिपीट करता रहे, वो पीरियडिक मोशन है। जैसे मोशन ऑफ टिप ऑफ आर्म ऑफ ए क्लॉक, यानी कि जो क्लॉक की आर्म होती है उसकी टिप, वो मोशन ऑफ स्विंग, या झूले का मोशन,
ये सब के सब पीरियडिक मोशन है, जो क्योंकि झोला जहाँ से शुरू हुआ वो लौट के फिर वहीं आता है। मोशन ऑफ द अर्थ और मेजर द लेंथ ऑफ एनी कर्व्ड लाइन, कोई कर्व्ड लाइन है यानी कि कोई ऐसी लाइन जा रही है कर्व्ड, इसको कैसे नापोगे? टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन वी हैव टू यूज डिवाइडर, हमें डिवाइडर यूज़ करना होता है। डिवाइडर आप जानते हैं ना, लेट देयर बी ए कर्व्ड लाइन ए एंड बी, मान लीजिए कोई कर्व्ड लाइन है, ये इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, पॉइंट है ये। ओपन द लेंथ ऑफ द डिवाइडर टू कवर सम कन्वीनियंट डिस्टेंस, अब अपनी डिवाइडर खोलिए, एक पॉइंट पर रखिए और दूसरे तक उसे टच करिए। प्लेस वन लेग ऑफ द डिवाइडर एट वन एंड ऑफ द कर्व्ड लाइन, पुट द अदर लेग ऑन द अदर, मान लीजिए एक उसका इस एंड पर रखिए, एक इस एंड पर रखिए। नाउ काउंट द नंबर ऑफ टाइम द डिवाइडर हैज़ टू बी टेकन अलॉन्ग द लाइन टू कवर द एंटायर लेंथ ऑफ लाइन ए बी, अब ए बी उस लाइन को नापने के लिए आपने कितनी दूरी कवर करी है। एट द एंड सम पोर्शन ऑफ द मे बी लेफ्ट आउट बींग लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेग्स, मेजर इट सेपरेटली बाई एडजस्टिंग द डिवाइडर, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ कम्प्लीट स्टेप्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेग्स। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि डिवाइडर छोटा होता है और चीज़ ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा बड़ी है पॉइंट, तो उसे बार 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 करते जाइए, ये तरीका अपनाया है। अगर छोटी है तो एक ही बार में पता चल जाएगी। एट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस टू दिस लेंथ, और जो बची है दूरी उसको नाप लीजिए, उसे ऐड कर लीजिए, तो टोटल लेंथ पता चल जाएगी। सिंपल तरीका ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने अपने डिवाइडर को 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर पे खोल लिया, और जो चीज़ नापनी है वो 6 सेंटीमीटर से, जो 2 पॉइंट है उसके कर्व लाइन के जो 2 पॉइंट है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आपको उसे बार बार रखना पड़ेगा उस लाइन के ऊपर उसे, और हो सकता है 2 बार आए 3 बार आए और कुछ बच भी जाए, तो पहले जितने पूरे पूरे 6 सेंटीमीटर नाप रहे हैं उन्हें नाप लीजिए, और उसके बाद फिर जो बचा है वो नाप लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कर्व लाइन की टोटल लेंथ कितनी है। फिक्स ए रबर स्ट्रिंग और ए पीस ऑफ थ्रेड स्ट्रेस बिटवीन द नेल्स, 2 कीले लीजिए, उसमें एक रबर स्ट्रिंग जो है केस फिक्स करिए या धागा फिक्स करिए। प्लक इट जस्ट लाइक द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार और वायलिन, अब उसे वायलिन या सितार के तार की तरह से छेड़िए, हिलाइए। वाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, कैसा कौन सा मोशन कहलाएगा वो? द मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग और थ्रेड इन द केस ऑसिलेटरी मोशन, ए टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन, ऑसिलेटरी होगा क्योंकि जैसे पेंडुलम जिस जगह से वो गया फिर उसी जगह आके रुक जाएगा, तो इसलिए पीरियडिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन भी है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स इन स्टेट विच टाइप ऑफ मोशन इज दैट, यहाँ आपको बताने हैं कि ये कौन कौन से मोशन हैं। मोशन कौन कौन से होते हैं? रेक्टिलिनियर जिनमें सीधे सीधे चलते हैं, कर्विलिनियर मोशन जिसमें गोलाई में होते हैं, कर्व में होते हैं, रैंडम मोशन जो किसी भी शेप में है, वाइब्रेशनल मोशन यानी कि एक प्रकार का पीरियडिक मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं? द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स एज ए होल, पूरी बॉडी एक साथ चले, एवरी पॉइंट ऑन इट, जैसे बस चलती है पूरी की पूरी चलती है ना जो भी उस पर होता है, उसे ही ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, लीनियर मोशन, कर्विलिनियर, लीनियर सीधा सीधा चलेगा, कर्विलिनियर कर्व में चलेगा, रैंडम मोशन इधर उधर किसी भी तरफ को चल सकता है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये हैं सारे पीरियडिक मोशन के एग्जाम्पल। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, हार्ट बीट इन ए हेल्दी पर्सन, ये पीरियडिक मोशन है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अब ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल देखते हैं। मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन जो है घड़ी में, चाइल्ड ऑन ए स्विंग झूले पे झूल रहा है बच्चा, ये ऑसिलेटरी मोशन है। और मोशन ऑफ हार्ट मसल्स इन ए हेल्दी पर्सन, जो हार्ट मसल्स का मोशन है वो भी यही मोशन कहलाएगा, कौन सा? ऑसिलेटरी। होप कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे आप लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।